गुड मॉर्निंग क्लास, माई नेम इज़ अनु मेहरा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द किचन इक्विपमेंट्स। ठीक है, यूनिट आपका फर्स्ट एंड सब्जेक्ट है आपका फूड प्रेपरेशन पेंट्री। ठीक है, उसके यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द किचन इक्विपमेंट्स। ठीक है, हम देखेंगे कि इसमें जो किचन इक्विपमेंट्स हैं उनको मेंटेन कैसे रखेंगे, उनको क्लीन कैसे रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, डिशेज एंड कुकिंग यूटेंसिल्स। ठीक है, वॉश एंड सैनिटाइज एनी डिशेज पॉट्स पैन एंड कुकिंग यूटेंसिल्स दैट वर इन द कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर। अब इसमें क्या है, हमें क्या करना है, जो डिशेज होते हैं, पॉट होते हैं, पैन होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं, जो समथिंग, ठीक है, उनको क्या है, वॉश करना है और सैनिटाइज करना है। ठीक है, वाटर फॉर द वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग मस्ट बी सर्टिफाइड सेफ टू यूज़। ठीक है, तो इसमें क्या, अगर हम उनको अच्छे से सैनिटाइज और वॉश करेंगे तो क्या है, वो यूजफुल ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसके आगे पॉइंट्स क्या है, सब पॉइंट्स हैं इसके, टू वॉश एंड सैनिटाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रिमूव डिस्पैचुअल पार्ट्स सच एज ब्लेड, प्लास्टिक, वुडन हैंडल एंड स्क्रीन्स। ठीक है, ऐसे वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव कर देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, चॉपर होता है तो उसमें ब्लेड वगैरह वाला, ब्लेड वाला जो स्पैचुला लगा होता है, तो उसको क्या है, उसको पहले रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट क्या है, वॉश डिशेज पॉट्स पैन एंड यूटेंसिल्स एंड द डिस्पैच एंड द डिटैच पार्ट इन द हॉट सोपी वाटर, यूज़ अ ब्रश इफ नेसेसरी। ठीक है, तो अगर आपने जैसे मतलब ऐसे वाले जो है यूटेंसिल्स, पॉट्स, पैन वाले, जो उनको क्या है, अच्छे से ब्रश, अगर ज़रूरत पड़े तो ब्रश के साथ क्लीन कर सकते हो। तो हमेशा क्या है, हमें जो वार्म वाटर होता है वही यूज़ करना है। ठीक है, फॉर क्लीनिंग रीजन द क्लियर वाटर आफ्टर वॉशिंग, उसके बाद क्या है, उसको जो साफ पानी है उसमें वॉश करना है। नेक्स्ट वन क्या है, प्लेस आइटम इन द वायर बास्क और अदर कंटेनर इम्प्रेस इन द सैनिटाइज सोल्यूशन। अब इसमें क्या है, उसको सैनिटाइज करने के लिए क्या, जब हमने उसको आफ्टर वॉशिंग किया है, उसको ऐसे जैसे कोई बास्केट वगैरह होगी जिसमें क्या है, पानी भी गो थ्रू हो जाए सारा वाटर, तो उसमें हमने उनको रखना है, प्लेस करना है। ठीक है, सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजिंग सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय मिक्सिंग। तो हम जो सैनिटाइज सोल्यूशन है उसको प्रिपेयर कैसे करना है, वो मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या, एक टेबल स्पून लेना है क्लोरीन ब्लीच, ठीक है, एंड 1 गैलन ऑफ वार्म वाटर ले लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ों को दोनों को मिक्स करके हम वो सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं, और उसके साथ हम अपने अपने जो बर्तन हैं उनको क्या है, फ्री ऑफ बैक्टीरिया कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सैनिटाइज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, एयर ड्राई डिशेज इन क्लीनिंग सैनिटाइज डिश रैक यूजिंग अ डिश टॉवल कुड रिकंटेमिनेट द डिशेज। अब क्या है, उनको आफ्टर वॉशिंग के बाद क्या, हम उनको ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे तीन चीज़ें हैं इसमें, डिसइनफेक्ट, सैनिटाइज एंड स्टरलाइज। ठीक है, डिसइनफेक्ट का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और माइक्रोब्स को किल करना। ठीक है, और सैनिटाइज का मतलब आपको पता ही है कि सैनिटाइज करना। ठीक है, उसको मतलब जो सोल्यूशन रेडी करा है उसके साथ। और स्टरलाइज का क्या मतलब होता है, स्टरलाइज का मतलब होता है, मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ पढ़ के, पहले जस्ट एक एक लाइन में बताती हूँ। स्टरलाइज का मतलब होता है जैसे हमने सैनिटाइज के लिए जो सोल्यूशन रेडी कर लिया, अब हमने उसको उसके साथ क्लीन कर लिया, तो उसका मतलब हमने उसको स्टरलाइज कर लिया, मतलब कि किल ऑफ बैक्टीरिया कर दिया। ठीक है, फ्री ऑफ माइक्रोब्स कर दिया। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन बताऊंगी डिसइनफेक्ट की, फिर उसके यूज़ बताऊंगी आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है, यूजिंग अ केमिकल एजेंट टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया ऑन नॉन फूड कॉन्टैक्ट सर्विस। अब इसमें क्या है, डिसइनफेक्ट का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, और जो हमारे मतलब कि फूड के कॉन्टैक्ट में हमारे बर्तन आए हैं, जो कुछ भी है फूड आया है, उसको क्या है, फ्री ऑफ बैक्टीरिया कर देना। इसका यूज़ क्या है, कपबोर्ड्स हो गया, फ्लोर हो गया, सीलिंग हो गया, काउंटर, साइड बोर्ड्स ऑफ लार्ज इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो लार्ज इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा यूजफुल किए होते हैं, तो उनको सैनिटाइज करना, डिसइनफेक्ट करना ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, सैनिटाइज। अब सैनिटाइज में क्या आएगा, यूजिंग अ केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट जो मैंने पीछे आपको बताया, दो चीज़ों को मिक्सअप को करके उसको हम सोल्यूशन रेडी कर सकते हैं। ठीक है, एंड टू हॉट वाटर क्या है, 170-180 डिग्री का टेम्परेचर उसका होना चाहिए। ठीक है, एंड इसको यूज़ क्या है, इसका डिशेज को ग्रासवेयर यूज क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल्स, कटिंग बोर्ड हो गया, पॉट एंड पैन। ठीक है, अब स्टरलाइज का मतलब है, यूजिंग अ डेफिनेशन, यूजिंग अ केमिकल एजेंट, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, और एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको स्टरलाइज का एक और मतलब बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में जब काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक जैसे ऑपरेशन थिएटर है ना, ओटी, तो उसके साथ स्टरलाइज रूम बना होता है। जैसे अब जब ऑपरेट करते हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं, तो उनको पहले स्टरलाइज किया जा सकता है, क्योंकि एक पेशेंट भी हम यूज़ करते हैं तो उन पर ब्लड वगैरह माइक्रोऑर्गेनिज्म लगे, तो हम सेकेंड पर्सन भी उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको क्या है, स्टरलाइज किया जाता है, गर्म पानी में उसको अच्छे से उबाला जाता है। ठीक है, बॉइल किया जाता है उसको। ठीक है, यूजेस क्या, यूज़ बताया इन्होंने, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वही जो मैंने एग्जांपल दी है आपको उसी के रिलेटेड। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या है, हाउस होल्ड मेटल्स। जो हम हाउस होल्ड मेटल्स में क्या क्या आ जाएगा, आयरन पॉट आ जाएंगे, पैन आ जाएंगे, यूटेंसिल्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अंडर क्या है, आप इसको कैसे हमने क्लीन एंड वॉश एंड सैनिटाइजर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वॉश विद सॉप, हम इसको साबुन के साथ क्लीन वॉश करेंगे, फिर वाटर के साथ, ठीक है। तो यूजिंग अ स्ट्रिप ब्रश क्यूरिंग पावर स्टील वूल, स्टील वूल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर मार्क वगैरह जैसा ब्लैक वगैरह जो फूड वगैरह बनाया तो लगा, तो उसको क्लीन करने के लिए हम स्टील वूल यूज़ करते थे, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। सेकंड वन क्या है, इफ़ रस्ट रिमेन वाइप आइटम विद ऑयल सैचुरेटेड क्लॉथ और कमर्शियल रस्ट रिमूवर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑयली वाले मतलब के जो यूटेंसिल्स हैं वो ऑयल फ्री नहीं हुए हैं, तो उसके लिए भी हम क्या है स्टील वूल क्या है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वॉश अगेन इन हॉट सोपी वाटर, रिंस एंड ड्राई थ्रोली। अब इसके बाद क्या है, उसको हॉट वाटर में मतलब क्लीन करना है, वॉश करना है सोपी वाटर के साथ, और रिंस करना है। रिंस मतलब होता है कि उसको पानी को सारे को निकाल देना है, ठीक है। सेशन आयरन पैन यूटेंसिल्स विद अ गॉर्जियस अमाउंट ऑफ अनसाल्टेड कुकिंग ऑयल हीट इन 250 डिग्री टू 2 to 3 hours। अब माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, दिस विल परमिट ऑयल टू सोक इन द पोर्स ऑफ द मेटल ड्यूरिंग द हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। जब हम माइक्रोवेव में मतलब कुछ बनाते हैं तो उससे क्या है, जो ऑयल होता है वो यूटेंसिल्स में थोड़ा मतलब अब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए क्या है, उसको अच्छे से वाइप ऑफ करना है सैक्सोल को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेनलेस सील्स, निकर कपल, निकर और क्रोम प्लेटेड मेटल्स। अब इसमें क्या आएगा, एल्यूमिनियम पैन एंड यूटेंसिल्स आ जाएंगे। वॉश विद सोप सोपी वाटर, स्कोर एनी अनपॉलिश सर्फिस सच एज द इनसाइड ऑफ पैन विद सोपी स्टील वूल पैड्स, हाउएवर डू नॉट स्कोर प्लेटर एल्यूमिनियम सर्फिस बिकॉज इट माइट रिमूव द फिनिश। सैनिटाइज इन द ब्लीच सोल्यूशन, अब सैनिटाइज ब्लीच सोल्यूशन वही जो मैंने पीछे बताया उसको, वो प्रिपेयर कर हम उसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। टू रिमूव डार्क स्टेन, अब जो डार्क स्टेन होते हैं, ठीक है, बर्तनों पे लगे, उनको कैसे क्लीन करना है, एल्यूमिनियम पैन जो होते हैं, फिल पैन विद वाटर एड, उस पर क्या है जो विनेगर होता है, ठीक है, हम किचन में इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, और 2 tablespoons क्रीम ऑफ टर्टर ऑफ इक्विड क्वार्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से सोल्यूशन बना के उसको जो डार्क वाले स्टेन है उसको हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉपर एंड ब्रास पॉलिश विद अ कॉपर ऑफ ब्रास पॉलिश रब विद अ क्लोथ सैचुरेटेड विद विनेगर रब पीस ऑफ द साल्टेड लेमन, ठीक है। अब क्या है, जो कॉपर के बर्तन होते हैं उनमें क्या है, उनमें जो स्टेन है वो कैसे रिमूवल होने हैं, उनमें हम साल्टेड लेमन वगैरह जो विनेगर यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज वॉश कॉपर थ्रूली विद सोपी वाटर के साथ उसको यूज़ करना है, उसमें हम एसिड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वॉश लिक्विड ऑर्नामेंटल कॉपर इन वार्म सोपी वाटर, हमेशा मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वार्म वाटर यूज़ करना है हमने, ठीक है। रिंस विद वार्म वाटर एंड द वाइप ड्राई, डू नॉट पॉलिश, डू नॉट सोक, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, ठीक है, इसको मतलब कि हमने मेंटेनेंस कैसे करनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने चाहिए, दिस वॉज कम्प्लीटेड, ओके। नेक्स्ट आपका है सुपरविजन ऑफ कुकिंग ऑपरेशंस, ठीक है, वो हम अब स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला टॉपिक आ गया सुपरविजन ऑफ कुकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। अब ये एक टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट है आपका, सब्जेक्ट आपका सेम ही है, फूड प्रेपरेशन एंड पेंट्री, ठीक है, और टॉपिक का नेम है सुपरविजन ऑफ कुकिंग ऑपरेशंस, कि जो मतलब कुकिंग ऑपरेशंस का मतलब होता है, ऑपरेट मतलब समझ लेना, कुकिंग ऑपरेशंस का मतलब है कि जैसे हमने कोई भी फूड रेडी किया तो वो, ठीक है, उस पर मतलब निगरानी सुपरवाइजर कैसे करना है, सुपरविजन, जो सुपरविजन का मतलब होता है जो सुपरवाइजर होता है, जो मैनेजर होता है, जो मतलब हमारा हेड होता है, वो कैसे इस चीज़ को सुपरवाइज करेगा, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट्स हैं 8-9 points है, 8-9 आपके जस्ट एक एक लाइन के हैं, ठीक है, ईजी टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ क्या है, इंप्लीमेंट कंट्रोल ऑन क्वालिटी अलॉन्ग विद द कंसिस्टेंसी ऑफ एवरी ए टेबल आइटम सर्व। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इंप्लीमेंटेशन हो गया, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वालिटी देखनी है चीज़ की, जो सुपरवाइजर है वो देख रहा है, ठीक है, वो क्वालिटी देखेगा, ठीक है, सर्विंग की और चीज़ों की, आइटम्स की जो हमें नीड है, ठीक है। डिवेल्प एंड अडेप्ट वर्क स्केजुअल शेड्यूल एज पर प्रिवेलिंग वर्क प्रेशर एंड ऑक्यूपेसी। फर्स्ट अब सेकेंड वन क्या है, इसमें एक वर्क शेड्यूल बन जाएगा कि काम किस तरीके से करना है, ठीक है, वो भी सुपरवाइजर करेगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, इन्वॉल्व इन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग इन्ग्रीडियंट रिक्वायर्ड इन किचन। अब थर्ड वन हो गया जो रिक्वायरमेंट है किचन में, ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है, इन्ग्रीडियंट्स हो गए तो वो भी वही ऑर्डर करेगा, थर्ड हो गया। फोर्थ वन क्या है, इंप्लीमेंटेड डिपार्टमेंटल लाइन अप्स रेगुलर रूटीन, ठीक है, रूटीन में जो भी होता है वो भी वही रेगुलर है, वही करेगा सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्या, कंट्रोल एंड मेंटेन मैनेज किचन इन्वेंट्री एंड फूड सप्लाई। अब जो मैनेजर है जो सुपरवाइजर है सब कुछ लाइक दैट, तो वो क्या करेगा, कंट्रोल होगा उसके हाथ में, वो मेंटेनेंस रखेगा किचन इन्वेंट्री जो है, मतलब किचन में जो भी इक्विपमेंट्स है उनकी क्या है मैनेजमेंट करेगा, एंड फूड सप्लाई मतलब जो भी नीड है उन चीज़ों की सप्लाई करवाएगा। नेक्स्ट वन क्या है, इंश्योर ऑल इंग्रेडिएंट
इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड आर इन राइट सप्लाई ऑन टाइम। अब क्या है, जब हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए तभी उनकी सप्लाई होनी चाहिए, मतलब क्या है कि टाइम की मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो वो भी सुपरवाइज ही करेगा। ठीक है, सपोर्ट एंड फैसिलिटी कंट्रोल द फूड कॉस्ट, जो फूड कॉस्ट है मतलब अपना बजट जो है वो देख के सुपरवाइजर करेगा। ठीक है, कन्वे क्लियरली एनी मेंटेनेंस ऑफ किचन इक्विपमेंट्स एंड अदर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अगर कोई भी कन्वेंस में प्रॉब्लम आती है, जो इक्विपमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, तो उस वो भी क्या है, सुपरवाइजर उसको सोल्यूशन करेगा, हैंडल करेगा। प्रिपेयर ऑन टाइम एंड टेस्टी थ्री मील्स एवरी डे हैविंग आइटम फॉर अप्रूव्ड मेनू। अब इसमें क्या है, मेन्यू के अकॉर्डिंग क्या है, एक दिन में थ्री मील्स प्रिपेयर होनी चाहिए, वो भी टेस्टी वाली। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, यूटिलाइज सर्विस ऑफ द डायरेक्ट प्रेपरेशन और सुपरविजन सम अदर कुक हेल्पर एज रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या है, ये पॉइंट समझने वाला है, इसमें बताया गया है कि यूटिलाइज सर्विसेज। ठीक है, अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल एक रूम में दो जने काम कर रहे हैं मतलब किचन में, तो क्या है, अगर सुपरवाइजर को लगता है कि वहाँ पे तीन या चार लोगों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को यूटिलाइज करेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, वहाँ पे बंदे और लेके आएगा। ठीक है, ये हो गया क्या है, और जो वहाँ पे जो नए वाले बंदे आएंगे वो फिर ज़्यादा सुपरवाइज किए जाएंगे, उन पर ज़्यादा सुपरविजन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेवलप एंड मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशंस विद वेंडर। अब इसमें क्या है, अब हम सारे काम प्रोफेशनल तो तरीके से करते हैं, तो इसमें भी क्या है, जो हमने डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, रिलेशन कायम करने हैं, रिलेशन बिल्डअप करने हैं, वो भी है प्रोफेशनल तरीके से करने हैं। गैदर डाटा, कंप्लाई, रिव्यू एंड सबमिट एसेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, अब क्या है, ये रिपोर्ट कौन देगा, रिपोर्ट देगा जो क्या वर्कर हैं, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो देगा। इंस्पेक्ट एंड इश्योर बेस्ट फंक्शनिंग ऑफ द ऑल किचन इक्विपमेंट्स एज अ पर गिवन मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें क्या है कि फंक्शनिंग मतलब कि किचन इक्विपमेंट्स की फंक्शनिंग कैसे है, वो जो मतलब जैसे उनको बोलते थे सीनियर होते हैं, वो जूनियर को देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, सबसे पहले जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वो सुपरवाइजर ही देता है। ठीक है, जो होता है उसके बाद जो सीनियर है वो जूनियर की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सुपरविजन अदर कुक्स एंड हेल्पर डायरेक्टली इंक्लूडिंग शेड्यूल एंड इंश्योर एडिक्यूट कवरेज ऑफ कुक्स फॉर मील प्रेपरेशन। अब इसमें भी यही है कि जो हेल्पर्स हैं वो क्या है करते हैं, मतलब कि एक शेड्यूल मतलब कि रेडी करते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर शेड्यूल रेडी करेंगे और उसके क्या है, जो कुक्स मील हैं उनको क्या है प्रिपेयर किया जाएगा, उनको कवर किया जाएगा। लास्ट वन पॉइंट क्या है, डिवेल्प एंड सुपरवाइजर प्रेपरेशन स्पेशल एंड मेन्यू फॉर कस्टमर इवेंट। अब क्या है, जहाँ पे मतलब फॉर एग्जाम्पल होटल है वहाँ पे मेन्यू होते हैं कि कौन सा खाना मतलब उसका प्राइस क्या है, क्या क्या अवेलेबल है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रेपरेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये मेंटेनेंस जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, आपका टॉपिक खत्म हो गया, इजी टॉपिक है, दो टॉपिक करवा दिया मैंने एक ही लेक्चर में, दोनों को देख लेना, क्योंकि प्रॉब्लम हो गया तो देन यू विल आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।